भूल जाइए रिजल्ट, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो रिएक्शन था ऋषभ पंत का जब वो नो बॉल नहीं दिया गया, आप क्या तो था वो? आप तो रिजल्ट की बात करो, मैं तो कह रहा हूँ कि भूल जाइए कि नो बॉल था या नहीं था, बट अगर नो बॉल था भी वो तो अंपायर का डिसीजन है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी यू नो आप इस तरह का रिएक्शन नहीं दे सकते, आप इस तरह का वो चीज़ हो ही नहीं सकता कि आप कहो कि हमें मैच ही नहीं खेलना है। अगर ये अब आईपीएल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का गेम है, टूर्नामेंट है, आप कोई भी लेवल के गेम में अंपायर के डिसीजन के ऊपर आप ये बात तो नहीं कर सकते कि हमें मैच ही नहीं खेलना है। और इतना ज़्यादा रिएक्शन, आई थिंक उस वजह से शायद अगर टीम हारी है, तीन बॉल में तीन छक्के भी लग सकते थे तो मोमेंटम भी ब्रेक हुआ, लेकिन आई डोंट थिंक ये चीज़ यू नो कभी भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। और साथ में और ये डगआउट में यू नो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं वहाँ पे, शेन वॉटसन है वहाँ पे, अजीत अगरकर है, प्रवीण आमरे हैं जो बहुत सालों से कोचिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक वन ऑफ किसी ना किसी को तो खड़ा होकर वो चीज़ रोकनी चाहिए कि ये आपको नहीं कर सकते। भले आप यू नो एक बड़ा मोमेंट है, आप गेम का गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, लेकिन गलत डिसीजन पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें मैच नहीं खेलना, आप बाहर आ जाओ। बिल्कुल, जो बोला डगआउट में काफ़ी सीनियर प्लेयर थे जो सपोर्ट स्टाफ में, आई थिंक शेन वॉटसन बाद में आया कुछ समझाने के लिए, प्रवीण ने भी एक बार मना किया, पर जिस तरह का रिएक्शन ऋषभ पंत के हाथ से था कि आप वापस चलो, वो थोड़ा समझ से परे, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे, मतलब कोई डिबेट ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए कि आप ऑन फील्ड अंपायर के अगेंस्ट जाके ऐसा बड़ा डिसीजन लेने के बोले कि आप बाहर आ जाओ, तो बहुत गलत एग्जांपल सेट है अगर इसमें देखते हैं। कोच का अंदर चले जाना, ये चालू मैच में ऐसा जाना, आई थिंक मेरे लिए तो वो डिबेट कर सकते हैं बाद में कि नो बॉल थी या नहीं थी, वो एक अलग इशू, एक अलग चर्चा का विषय है, पर ये आप बुला लो अपने प्लेयर के जो खेल रहे हैं वहाँ पर, वो बहुत गलत है। एक कड़वाहट सी थोड़ी सी रह जाती है, खासकर न्यूट्रल फैंस के लिए, इनफैक्ट दिल्ली के फैंस भी इस बात से नाराज़ होंगे। कई बार जब थोड़ी सी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं पिच पर तो फाइन लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है एज अ न्यूट्रल फैन कि शायद फाइन से बात नहीं बनेगी, क्या रिएक्शन होना चाहिए गवर्निंग काउंसिल की ओर से? या फिर ये तो ऑब्वियसली मैच रेफरी को बुला के उनको इस चीज़ की तो बात करनी चाहिए, और मैच रेफरी वहाँ पे सोल जजमेंट है वहाँ पे, वही ऐसी जब कुछ चीज़ें होती है तो जनरल रूल है कि अंपायर्स रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करके फिर मैच रेफरी के पास जाता है, तो आई एम श्योर इस पे 100% कुछ ना कुछ तो बात होगी। और आई मीन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे मैच पे ग्राउंड पे चल गए थे तो उनको ऊपर भी फाइन हुआ था, लेकिन आई थिंक जिस तरह से बात करिए इस पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन 100% आना चाहिए। और इसीलिए शायद रिकी पॉन्टिंग की मौजूदगी इतना और ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर वो होते तो शायद ये बात ना होती, शायद ना होती। पर रिकी को मैंने देखा इंटरनेशनल मैचेस में भाग के थर्ड एम्पायर की तरफ जाते हो, पर हाँ ये सब कभी नहीं किया उसने, जाके थर्ड एम्पायर से जरूर उसने कंप्लेन किया है, कई बार मैंने देखा, दो बार तो मैं उसका खुद ही विटनेस था कि थर्ड एम्पायर के पास गया कि यार ये क्या हो रहा है, पर वो जो हो गया उसमें इतना बड़ा रिएक्शन कहीं था, अपनी एक नाराजगी दर्ज करा दी उसने कि आप बाद में इसको आप चर्चा में लीजिएगा। पर इसीलिए वो रिकी पॉइंटिंग होता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना होता कि ऋषभ को इतना बल मिलता कि आप हाथ इशारा करो कि दोनों प्लेयर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं मौजूद क्रीज पे वापस चले। और रही बात पनिशमेंट की, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल बुक के हिसाब से होगा वो जरूर होना चाहिए। ऋषभ थोड़ा सा ओवरस्टेप जरूर कर गए, लेकिन भाई उस सवाल तो पूछ लो, नो बॉल था या नहीं था, मुझे तो लगा था एक साइड से ऐसा लग रहा था कि नो बॉल है, एक साइड से नहीं लगा, थोड़ा काउच वाला सिचुएशन था, लेकिन कंक्लूसिव तो नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरह से मेरा अभी तक मैं हैरान हूँ ये सिचुएशन देख के, क्योंकि मेरे करियर में मैं भी बहुत बार फाइन हुआ है, मैंने भी अंपायर्स को बहुत सारी चीज़ें बोली हुई है, देखी हुई है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे अभी दिमाग में से वो चीज़ निकल नहीं रही है, क्योंकि जो कोचिंग स्टाफ बैठा है वहाँ पे, आई थिंक उन्होंने बहुत लेट किया उस चीज़ को रोकने के लिए, जिस तरह से जितने सारे कम से कम 3-4 मिनट तक ये चीज़ चली, उसके बाद में वॉटसन खड़े होके आके ये चीज़ रोकने गए, तो मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई ये सिचुएशन देख के। ऑर्गेनाइजर्स के लिए लेसन है यहाँ पर, क्योंकि नाजुक मोड़ था, आखिरी ओवर था, क्या पहले चेक कर लेते तो फर्क पड़ता? नहीं, वो जो रूल है वो तो रूल है ना, उसमें कुछ उसमें ऑर्गेनाइजर्स का तो क्या रोल आता ही नहीं है। अगर नो बॉल है तो उसमें पहले चेक करना होता है तो हो ही जाता है, थर्ड अंपायर का नो बॉल का जो कॉल है ऊपर से ही कॉल लेते हैं, तो अगर जो क्रीज से आगे जाते हैं ओवरस्टेपिंग बाकी भी है, और अगर नहीं पूछने का रूल है नहीं, अगर आउट होता है तो ही पूछना होता है, अगर वहां पे आउट हुआ नहीं तो वो रूल ही नहीं है, अगर आउट होता है वो बॉल पे तो ही आपको चेक करना होता है, अगर यहाँ पे ग्राउंड पे अंपायर को लगा कि ये नीचे है तो खत्म।
लेकिन ऑन फील्ड अंपायर के डिस्क्रेशन यहाँ पर अलाउड होना चाहिए कि चलिए ठीक है कंटेंशियस कॉल है तो ऊपर जाकर चेक कर लेते, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है। पर प्रेशर में ऐसे कॉल करना क्यों, लेना क्यों अंपायर्स को? अगर हर चीज ऐसे प्रेशर में होगा तो हर सारे प्लेयर अंपायर के ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं इसका डिसीजन ऊपर भेजो, एटलीस्ट मोमेंटम तो ब्रेक कर ही देंगे ना मैच का। हम तो सब मैच का जो हमेशा मोमेंटम की बात करते हैं, अब कि तीन छक्के लगे एक डिसीजन हुआ बॉलिंग टीम आके चढ़ गई अंपायर, क्या ऊपर जाके देखो कि क्या हुआ है कुछ भी करके, तो मोमेंटम तो ब्रेक हो ही जाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकते, आपकी अंपायर के निर्णय पे आप नाराजगी जरूर जाहिर कर सकते हो, अंपायर को लगे कि हाँ हमें चेक करना चाहिए तो अलग स्टोरी, अगर आउट हो तो वैसे भी चेक करते हैं, आउट होने पे तो हमेशा चेक होता ही एक बार, लेकिन ऐसे कि आप उसको प्रेशराइज करके अंपायर को आप डिसीजन उसका एक बार दोबारा चेक करा लो, वो थोड़ा समझ, क्योंकि गेम का टाइम भी एक लिमिटेड रहता है, आप इतने सारे बार ऊपर नीचे कर भी नहीं सकते। लेकिन जो ऋषभ पंत का रिएक्शन था, मोमेंटम शायद उन्हीं की टीम का टूटा। बिल्कुल, रोमन पावल सिक्स सिटिंग जोन में लग रहे थे, अगर वो स्टॉपेज ना होता तो क्या पता उसके बाद चौथी पांचवी छठी गेंद पे वो क्या कर जाते, क्योंकि उस जोन में थे वो। एक छक्का और लगता ना अगली बॉल चौथी बॉल पे तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था, क्योंकि तो दो ही बॉल बची यहाँ पर, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, क्योंकि पहला छक्का चलो मुझे लगता स्लॉट में था, पर दूसरा छे जो कवर्स से एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर मारा गया, कवर्स के ऊपर से, वो तो अनबिलीवेबल शॉट था, बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना बढ़िया आपने बॉल पिक किया और पूरे फेस के साथ बल्ले खेला और कितनी दूर मारा वहाँ पे फ्लैट सिक्स, वो तो दर्शाता ना कि कितने लय में है और कितना अंदर इस वक्त इन्वॉल्व गेम में। तो ये गलती तो बैटिंग साइड की है कि अपने प्लेयर्स को भी आपने थोड़ा सा झकझोर दिया। चलिए, एक ऋषभ पंत का रिएक्शन आया मैच के बाद, मैं क्रिकबज ऐप पर ये पढ़ रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, एवरीवन वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इट वाज नॉट इवन क्लोज, आई थॉट इट वाज ओनली अ नो बॉल, एवरीवन ऑन द ग्राउंड सॉ दैट, आई थिंक द थर्ड अंपायर शुड हैव इंटरफेयर इन बिटवीन, इट वाजंट राइट बट व्हाट हैपेंड विद अस वाज आल्सो नॉट राइट। आई डोंट थिंक थर्ड अंपायर को इसमें इंटरवीन करने का कोई वो है ही, जो अपना रूल्स है वो रूल्स है, अगर अंपायर को ऑन ग्राउंड पे लगा तो वो हो गया, वहाँ पे आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो स्क्वायर लेग अंपायर को जो दिखा उस हिसाब से उसने डिसीजन लिया, अगर उस गेंद पे आउट होते फिर रिएक्शन लेने के लिए थर्ड अंपायर को इंटरवीन करने का हर चीज़ में वो है ही नहीं, ये रूल बुक के हिसाब से है ही नहीं, तो फिर नया रूल कैसे बना दोगे आप तुरंत?